हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक व्लॉग बनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ से दस्तगीर बाबा का संदल हर साल निकलता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार आपके साथ शेयर करें, जिसमें हम मीठी न्याज बनाते हैं, गलेप लेके आते हैं, चादर लाते हैं, संदल लेके आते हैं और ये सब चीज़ें अपने घर से लेके जाते हैं दरगाह पे, और खूब धूमधाम से ये संदल हम अपने घर से निकालते हैं हर साल। इस बार आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिए हमारी वीडियो में, और आप भी देखिए दरगाह में किस तरह से संदल ले जाते हैं। तो संदल ले जाने से पहले सबसे पहले इन सब चीज़ों पे घर में दरूदे फातिया होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से फातिया हम देते हैं घर में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام सुल्तान उल हिंद ताए रसूल ख्वाजे ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की बारगाह में भी मनकबत का नजराना अर्ज करते हैं। बादे पर्दा भी कायम ये निस्बत रहे, बादे पर्दा भी कायम ये निस्बत रहे, तुझसे ख्वाजा ये रिश्ता सलामत रहे, रिश्ता सलामत रहे। ख्वाजा ओ मेरा ख्वाजा, ख्वाजा ओ मेरा ख्वाजा जी, ख्वाजा ओ मेरा ख्वाजा, ख्वाजा ओ मेरा ख्वाजा। कदमों से घर मेरा जन्नत रहे, तेरे कदमों से घर मेरा जन्नत रहे, तुझसे ख्वाजा ये रिश्ता। तो इस तरह से दरूदे फातिया हो गए हैं, और अब हमने ढोल वालों को भी बुलाया है, और अब आप चलिए हमारे साथ दरगाह पे संदल चढ़ाने के लिए।
ये देखिए हम पहुंच चुके हैं दरगाह शरीफ पर। हमारे घर से थोड़ी ही दूर का रास्ता है तो हम लोग पैदल ही वहां से संदल निकालते हैं। और इसे उरूस कहिए या संदल कहिए तो ये साल में सिर्फ एक ही बार आता है, तो ये हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है इसलिए हम लोग इसे हर साल निकालते हैं और पैदल ही हम सब यहाँ पर इस तरह से ढोल तरशे बजाते हुए संदल लेकर आते हैं। बहुत अच्छा लगता है घर में जहाँ होती है और सभी लोग इस तरह से साथ में चलकर संदल लेके दरगाह शरीफ तक पहुँचते हैं। दरगाह शरीफ में दरूद फातिहा होने के बाद फिर सबको शिरनी तकसीम की जाती है। ये मीठी न्याज भी हम घर पर ही बनाते हैं। आज हम इतनी जल्दी जल्दी में थे कि ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाए, लेकिन इंशाल्लाह हम आने वाले टाइम में इस मीठी न्याज की रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये था आज का हमारा ये छोटा सा व्लॉग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे।